ए वैक्टर एंड माइनस बी वैक्टर राइट सो लगाना वही है पैरलोग्राम एडिशन बट सिंपल हम करेंगे क्या इफ दिस इज़ द वेक्टर, वेक्टर वेक्टर हमने पढ़ा है कि नेगेटिव मतलब उस को आप डायरेक्शन में ले लो, so, right, मैंने यहां पे इन दोनों का रिजल्टेंट दैट इज गोइंग टू बी ए माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर राइट सो इफ दिस एंगल इज थीटा

थीटा इन प्लेस ऑफ थीटावन थी बोलो वन एटी माइनस वीटा थीटा क्यों ले रहे हैं ध्यान रखना क्योंकि इस में था, इस में था, ये था. लगा हम ट्रैगल ऑफ वैक्टर ही रहे पर लिए लगा रहे और माइनस और बी वैक्टर के लिए माइनस और बी वक्टर का डायरेक्शन ये ना इफ दिस एंगल इज थी

ट इट इज गोइंग टूलमी दट इज अंडरव ए स्क्वायर प्लस ऑफ वी स्क्स टू ए बी कॉस थीटा ट्राइंगल ऑफ एक्टर एडिशन या पैरलोग्राम लॉ एक्टर बोलते हैं यहां पर पैरलोग्राम लॉफ एक्टर ज्यादा बेटर है वाई इट इज बिकॉज दोनों के टेल क्या हो है? रहे हैं को रहे हैं सो दिस इज द परफेक्ट केस राइट नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ ए वट इज ए ए कितना यूनिट है फोर यूनिट सो फोर का स्क्वायर इज गोइंग टू बी आर 16, थ्री का स्क्वायर इज गोइंग टू बी आर 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू वॉट कॉस थीटा नो वॉट इज थीटा ओवर हियर इन दिस केस थीटा इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन एज 60 डिग्री नाउ कॉस 60 इज वॉट कॉस सिक्सटी इज बेसिकली और वन बाय टू तो हम इसको फर्दर सॉल्व करें सो विल हैव सिक्सटीन प्लस नाइन नाउ टू इंटू फोर इंटू थ्री वॉट इट इज गोइंग टू बी 24 cos 60 and cos 60 is what 1 by 2. So, this or 24 into half that will be 12. 12 plus 9 is going to be what 21 and 21 plus 16 is going to be what 37. So, we will have under root of 37. This is basically your a vector plus b vector ka magnitude, right? Now, if you want to calculate a vector minus b vector ka magnitude, so what we are going to do, we are going to use the same result, right? But what I said, just you need to do one thing that is, you have to take theta instead of that, you have to take what cos 180 minus theta. So 180 minus theta will be what 180 minus 60, that will be going to be your 120 degree. Now we'll apply the values of a and b. So a magnitude is 4, so we'll have 4 square plus it is going to be what 3 square, then plus. टू इंटू फोर इंटू थ्री एंड कॉस वन टीज वैल्यूज गोइंग टू बी वॉट माइनस ऑफ वन बाई टू नाउ राइट सो यहाँ पे हमारे पास वी आर गोइंग टू हैव बेसिकली द मैग्निट्यूड ऑफ वॉट ए वैक्टर माइनस ऑफ बी वैक्टर इज दैट क्लियर तो सॉल्व करें जरा इसको सो दिस विल बी राइट प्लस दिस इज अगेन ट्वेंटी फोर इंटू माइनस वन बाई टू So we'll have 24 multiplied by minus of 1 by 2. Now 16 plus 9 is what? 25 and 25 minus of 12. So it will be basically your under root of 13. So this is going to be basically the magnitude of a vector minus b vector. So a vector plus b vector ka magnitude kit ratha root 37 or a vector minus b vector ka magnitude is coming out as root 13. Right now we have यूनिट वेक्टर एंड ऑल्सो हैव टू स्टडी जीरो वेक्टर वेक्टर सो यूनिट क्या होता है दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर तो वेक्टर जरूर पता है कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर की खासियत क्या इट हैज ओनली डायरेक्शन और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड इज वन यूनिट तो अब हमारे दिमाग में आएगा कि यार ऐसा कोई वेक्टर होता है क्या जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट हो तो डेफिनेटली होता है राइट right? इवन हम हर वेक्टर को यूनिट वेक्टर में एक्सप्रेस

तो फॉर्मूला क्या है मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला सिंपल है आपको करना कुछ नहीं है टू थ्री फोर आपको थ्री डी में पॉइंट प्लॉट कर लेना राइट अब ये पॉइंट जो है दैट इज गोइंग टू बी हेड ऑफ वेक्टर क्या बात कर रहे हो तो भाई देखो हेड इसलिए बोलते हैं हम यहाँ पे क्योंकि हम एक पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं राइट और हेड हमेशा उसका जो होगा 2, 3, 4 जो इस गोइंग ओरिजिन राइट मतलब किसी भी पॉइंट को आप वैक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो दैट इज योर पोजिशन वैक्टर क्या बोलते हैं उसको पोजिशन मतलब कोई भी पॉइंट हो आप उसको वैक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो उस पॉइंट को आप हेड ले लेना ले और उसका टेल बाय डिफॉल्ट कहां पे ले लेना ले ओरिजिन पे तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपको आएगा क्या जीरो तो राइट तो right. अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मैग्नीट्यूड मतलब आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए क्या चाहिए डिस्टेंस तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे राइट सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस कितना थ्री माइनस जीरो का होल स्क्वायर

तो सिंपल सा लॉजिक है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो भी हमने निकाला अब इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते डिवाइड डिवाइड कर देते मतलब जो भी हमारा ए वैक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं right? तो हम हम इस फॉर्म में राइट तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे सो विल यूनिट अब यूनिट वैक्टर में हमेशा कैप लगा देना जैसे आई कैप जे कैप के कैप तो वैसे ये क्या हो जाएगा हमारा ए कैप राइट तो हम इसको चेक कर दें कि भाई ये वेक्टर होगा क्या वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड तो बोलो टू बाई रूट ट्वेंटी तो हमें बेसिकली एक वेक्टर तो मिल गया अब मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछूं तो वो कितना होगा तो जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालते समय हमने क्या करा था टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट राइट right? तो अगर हम इसमें वो चीज अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा बोलो राइट टू का स्वयर फोर रूट ट्वेंटी का स्क्र ट्वेंटी थ्री बाय रूट ट्वेंटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो नाइन बाय ट्वेंटी और फोर बाय ट्वेंटी कितना हो जाएगा बोलो सिक्सटीन बाय ट्वेंटी राइट

क्टर एंड दैट विल बी ऑफ मैग्नीट्यूड वन यूनिट एंड इन द डायरेक्शन मतलब जो भी ए वैक्टर का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में रूट ट्वेंटी का नहीं होगा वन यूनिट का वैक्टर होगा राइट right? तो दैट श्योर यूनिट वैक्टर सो यूनिट वैक्टर इज अ वेक्टर विच हैजूनिट मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अगर हम लिखे तो दैट इज अ वैक्टर विच हैजूनिट मैग्निट्यूड एंड पॉइंट इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन राइट जैसे आई कैप का जो डायरेक्शन है वो लॉन्ग एक्स एक्सेस है उसका डायरेक्शन अलाउ ए वैक्टर ही होगा राइट नाउ वी है प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर एंड इट्स मैग्निट्यूड इज योर यूनिट वैक्टर अब देखो दो तरह इस बात को समझने के लिए बट स्टैंडर्ड आप यह बोल सकते कि वैक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमको यूनिट वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का क्या कर देना है प्रोडक्ट राइट right? एक तरीका ये हो गया या सिंपली आप याद रखें कि अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो आपको वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है सो हैव अ यूनिट वेक्टर राइट नाउ वी हैव एन इंपॉर्टेंट थिंग कि यूनिट वेक्टर हैज नो नो यूनिट राइट उसके नो यूनिट बोलने का मतलब क्या है कि उसके पास मैग्नीट्यूड वन यूनिट होगा पर उसकी कोई यूनिट नहीं है राइट नाउ वी हैव इसका जो डायरेक्शन है

अब रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स क्या है बेसिकली हम लोग वैक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने वाले हैं कैसे करने वाले हैं सो सिंपली जो भी हमारा वैक्टर है उसको हम स्प्लिट कर देंगे क्या कर देंगे स्प्लिट स्प्लिट मतलब समझते हो ना तोड़ देना तो कैसे तोड़ देंगे कॉम्पोनेट्स ले लेंगे और वो दोनों जो कॉम्पोनेट्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर सपोज ये हमारा पॉइंट है यहां पे हमने कोई फोर्स लगाया अब मैं चाह रहा हूं कि यार ये जो फोर्स है ये ऐसे डायरेक्शन में लग रहा है मेरा स्टैंडर्ड तरीका है मैं क्या ले लू एक्स एक्सिस ले लू और क्या ले लू वाई एक्सिस तो मैं चाहता क्या हूं कि मैं ये एफ को हटा दू इसको तोड़ दू तोड़ दू, कितने में तोड़ दू, दो चीजों में तोड़ राइट right? मतलब मैं मैं चाहता हूं मैं इसका एक कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लू राइट right? और एक कंपोनेंट अलोंग क्या ले लू वाई एक्सिस ले लू फाइन तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिजोल्व टू वैक्टर्स और वी विल टेक द ऑफ विलेक दैक्टर इन टू अक्टर्स राइट

कर लिया वी आउट ए एक्स एंड ए ए वाई कितना आ रहा एक्स ए कॉस थीटा और ए वाई कितना आ रहा ए साइन थीटा तो याद रखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है वो बात? कि जिस पे क्या लेना है साइन ले लेना है राइट ले ले right? ठीक लेट्स मूव फादर सो अगर हम इसको वैक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो मैंने अभी बताया डायरेक्शन लेना है एक्स के अलोंग क्या जे कैप तो रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा ए एक्स आई क्या है? प्लस ए वाय और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए वाई दैट क्लियर नाउ वी हैव एंगल आल्सो अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो सी अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं लेट से दिस इज इक्वेशन वन दिस इज इक्वेशन टू वन और टू को अगर हम डिवाइड करें मतलब वी वी आर आर इक्वेशन टू बाई इक्वेशन वन सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव

के टू डी में आई और चाहिए थ्री डी में एक और चीज एड हो जाएगी दैट इज योर एड राइट और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज दैट क्लियर नाउ दिस इज यू कैन सी कि ए वेक्टर है जैसे वहां पे हमने देखा था एक्स एक्सेस से थीटा बना रहा था तो वाई से कितना बना रहा था नाइनटी माइनस थीटा अब ये क्या है थ्री डी है थ्री डी मतलब इट इज नॉट इन द बोर्ड बोर्ड प्लेन राइट वो ऐसा कहीं बाहर निकला हुआ है तो वो एक्स एक्सिस से भी कुछ एंगल बना रहा है

बट आप इसको ध्यान रखें दीज आर कॉल डायरेक्शन को राइट तो अगर मैं यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू पूछू फ्रॉम दिस आई आस्क यू वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा हमारा कितना हो जाएगा ए एक्स कॉस बीटा क्या हो जाएगा ए वाई बाय ए और कॉस गामा कितना हो जाएगा बोले ए जेड बाय ए राइट right. अब ये जो कोसाइंस होते हैं बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को किसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर तो इनसे बनने वाला एक वेक्टर अगर हम लिखना चाहें तो बीटा जे कैप और गामा के कैप मतलब डायरेक्शन कोसाइंस किसको रिप्रेजेंट करता है यूनिट वैक्टर को राइट right? तो यू कैन सी डायग्राम वी है डायरेक्शन को साइंस एंड नाउ वील मूव फॉदर सो वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ स्क्वास ऑफ द डायरेक्शन को साइंस मैंने बताया किसको रिप्रेजेंट करता है यूनिट वैक्टर को तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है दर अल्फा प्लस बीटा प्लस लॉजिक है आप इसको एल सी एम तो वो ए स्क्र आएगा और ऊपर ए स्क्वायर प्लस एवा स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आएगा दैट इज ऑल्सो स्क्वायर तो बोलो ये कितना आ रहा है वन आ रहा है राइट right? तो डायरेक्शन होगा? होगा. तो पिछले रिलेशन में अगर हम कॉस्कोर अल्फा को लिखें तो वन माइनस साइंस कोर अल्फा कॉस्कोअर बीटा को लिखें तो वन माइनस साइंस स्क्वायर बीटा और कॉस्कोर गामा को लिखें तो क्या लिख सकते हैं वन माइनस साइंस स्क्वायर गामा किसके इक्वल है वन के

10.5 न्यूटन का फोर्स है और वो जो वर्टिकल लाइन है उससे कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री राइट right? तो ऑब्वियस बात है कि उसका हॉरिजॉन्टल लाइन से भी कुछ ना कुछ एंगल है राइट right? तो हमें बेसिकली फोर्स का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए दैट इज जो भी फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे वन इज अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस एंड अदर इज अलॉन्ग दी वाई एक्सिस सो हमें वाई एक्सिस के अला जो फोर्स की कंपोनेंट है वो चाहिए So, what we are going to do, we are going to resolve this vector along y axis and along x axis, right? So, this is your x axis and this is your y axis. So, if I ask you that what will be the y component of the force and what will be the x component of force, so y component is going to be what? 10.5 sine 53, right? Or we can write it as sine of.

So we have the x component, we have the y component of this force, right? Now, we उसका vertical direction of vertical So what is going to be that? 10.5 cos 37. So we'll write this as 10.5 into cos 37. Now, if I ask you what is the value of cos 37, so that is going to be basically your 4 by 5. value the cos 37 value? 4 by 5. Now, once you solve this, so you'll have what 2.1 into 4 so that comes out as how much 8.4 newton so you can see the option that option number 3 is going to be your correct one fine now we'll have look at the next question now what is that we are given magnitude of f1 f2 we have to find it out and we are basically given that f1 f2 makes an angle

sin 30 so that is along x direction so we'll write it as f1 let's say f1 vector ka magnitude ka f1 right simply magnitude ki baat kar or x axis ke along kya ho jaega? that will be your sin 30 and that will be in the x direction so that that's we are, why we are writing it as i cap or y ke along that is going to be how much f1 cos 30 and that is your जी कैप राइट सिमिलरली अगर हम एफ टू के कॉम्पोनेट देखें सो एफ टू का वाई के अलॉन्ग विल बी एफ टू कॉस फोर्टी फाइव और एक्स के अलॉन्ग एफ टू साइन फोर्टी फाइव बट वो निगेटिव डायरेक्शन में राइट right. तो so यहां पर हम लोग एफ टू को जब लिखेंगे आई कैप राइट एंड प्लस ऑफ एफ टू कॉस फोर्टी फाइव एंड दैट विल बी योर J cap fine. So if we solve this further, so we'll have in the left hand side we have 10 J cap right, and in the right hand side if I collect the terms of i and i and j and j, so what we are going to have F1 sine 30. Now so value of sine 30 is what 1 by 2. So we'll have F1 by 2 minus F2 by sine 45 is what 1 by root 2. So we'll write it as minus of F2 by root 2, and that is along x axis. So we are writing it as i cap right.

इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स इन इक्वालिटी क्या करने वाले सो so, अगर हम एक्स कॉम्पोनेट की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स का कोई कॉम्पोनेंट ही नहीं है सो फ्रॉम देयर वी आर हैविंग एन इक्वेशन दट इज एफ वन बाय टू माइनस एफ टू बाय रूट टू दैट इज इक्वल्स टू वॉट जीरो क्योंकि यहां पे कोई आई की टर्म नहीं है सो विल बी इक्वल्स टू वॉट जीरो सो वंस यू सॉल्व दिस हमारा x की बात हो गई x के कंपोनेंट को हमने जीरो से इक्वेट करा विल डू फॉर द y. तो वी हैव वॉट एफ वन इंटू रूट थ्री बाय टू प्लस एफ टू Upon root two, and that is equals to what ten? Because y along, jo force area that is your ten, right? So from here we can write the value. F one is what root two F two. So if I write you root two F two, so we'll have how much root two F two root three by how much two plus F two by root two, and that is equals to how much?

So that will be root 3 square, which is going to be 3 minus 1 square, that will be 1. So 3 minus 1 is going to be your 2. So 10 root 2 into how much? root 3 minus 1. And whole divided by will have 2. So we will solve it. So we will have 5 root 2 into root 3 minus 1. So that's your final answer for the magnitude of F2. And now what you are supposed to do? If you want to find the magnitude of F1. So using this, whatever you get got the value of F2, multiplied that by root 2. So fine. So we'll solve this for F1 as well. So on solving this for F1, we have the value of F2 as 5 root 2 into root 3 minus 1, and that is multiplied by root 2. So we write it down as 5 root 3. Right. In fact, it's 5 root 2. So we'll write it as 5 root 2, and that is multiplied by root 3 minus 1 and into root 2 that is this one root 2 right so we write this as root 2 now once we solve this further so we'll have the value of f1 is how much 10 times root 3 minus 1 newton so these will be the magnitude and that will be expressed in newton fine so that's the answer i hope you understood well